हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने इस कमाल फ्रेश वीडियो में। और आज आप सबके एक इम्पॉर्टेंट सवाल के जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में पूरा बने रहो। अब सवाल क्या है ये जानना जरूरी है। हाँ तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है भाई जिसका जवाब आज इस वीडियो में देने वाले। तो दोस्तों, आपका ही एक क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे ज्यादा मेरे पास डीएम्स मेरा दो क्वेश्चन आए हुए थे कुछ दिनों के से मैं देख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आया था आप सबका कि बेस्ट मटेरियल बताइए वॉल पेंटिंग करने के लिए, आप कौन सा मटेरियल यूज करूँ वॉल पेंटिंग के लिए, वॉल पेंटिंग के लिए। मटेरियल्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे आप। तो उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, वीडियो अपलोडेड है, जाके जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके थे मुझसे वो था कि आप क्या चार्ज करते हो वॉल पेंटिंग का, और वॉल पेंटिंग का चार्जेस किस तरीके से है आपका, ये सारी चीज़ें बताएं। बहुत सारे लोग करवाना चाहते थे मुझसे काम, हमारी टीम से काम कराना चाहते थे, कलर कोच से काम कराना चाहते थे, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया था कि कुछ दिनों पहले जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, जो नहीं करते डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैंने एक स्टेटस डाला था और उसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें दो क्वेश्चन मैंने रखा था, यही दो क्वेश्चन जो आपने हमसे मुझसे पूछा था कि किस पे वीडियो बनाया जाए पहले। तो आपने ये दो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो वोट किया था वो पहला क्वेश्चन पे किया था कि मटेरियल्स आप क्या यूज़ करते हैं, या फिर मटेरियल्स कौन सा अच्छा होगा, बेस्ट मटेरियल फॉर वॉल पेंटिंग। तो सबसे ज़्यादा वोट उस पर मिला था, तो मैंने पहले उसको वीडियो को बना दिया है। दूसरा क्वेश्चन का जो था कि हाउ आई चार्ज मैं चार्ज फॉर आई चार्ज फॉर वॉल पेंटिंग, तो उस पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज मैं पूरी चीज़ आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं चार्ज करता हूँ वॉल पेंटिंग के लिए। तो गाइस, वीडियो में बने रहो। हाँ तो गाइज, चलो अब बात करते हैं कि चार्ज मैं कैसे चार्ज करता हूँ। तो गाइज, मेरा चार्जेस जो होता है वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ जब आप मुझसे चार्जेस पूछते हो। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वॉल का साइज, मतलब आप मुझसे रेट पूछोगे तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, मुझे पहले चाहिए कि मुझे आप वॉल का साइज बताओ कि वॉल का साइज क्या है, कितने फीट बाय कितने फीट का वॉल है, कितने मीटर बाय कितने मीटर का वॉल है। बस जनरली मैं फीट में पूछता हूँ क्योंकि कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। तो मुझे पहला चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं चार्जेस बताने से पहले एक वॉल का साइज जरूर पूछूंगा कि कितने बड़े वॉल पे काम कराना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने लोग यहाँ पे हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कमर्शियल काम इस तरीके से करते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, बने रहो, और भी चीज़ें बताऊंगा मैं। और ठीक है, तो एक हो जाता है कि वॉल का साइज, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काम बहुत तरीके का होता है, एक होता है 2D, एक 3D, अब फ्लैट कलर्स आपको चाहिए या फिर आपको शेड्स में चाहिए काम, तो एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। तो वॉल पेंटिंग में ना बहुत सारी चीज़ें होता है, सरफेस भी डिपेंड करता है कि आपका सरफेस कैसा है, रफ है, मतलब प्लेन है, पुट्टी वॉल है, या किस तरीके का वॉल है, वो हमें देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है रेट बताने से पहले। इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ उल्टा कि आप मुझे बताओ वॉल का साइज़ क्या है, आप बताओ 2D कराना चाहते हो, 3D कराना चाहते हो। पहले क्लाइंट्स के मूड बोर्ड को समझना पड़ता है कि आपका मूड कैसा है, आप किस तरीके का काम चाहते हो, तो ये इंपॉर्टेंट होता है मुझे जानना। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना वो होता है दोस्तों मटेरियल्स में भी बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया, आप जाके देखना है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले भी मैंने बताया जहाँ पे मटेरियल्स के बारे में बताया। मटेरियल्स दो तरीके का होता है जिस पे मैं काम करता हूँ, एक होता है मैट, एक होता है ग्लोज। तो मैट फिनिश में काम करना है या ग्लोज में काम करना है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, दोनों मटेरियल्स मैं प्रीमियम ही यूज़ करता हूँ, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि रेट में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है, क्योंकि मैट का काम जो होता है ना वो बहुत प्रीमियम काम, अच्छे काम जो अच्छे अच्छे जगह पे होता है, तो हमने ज़्यादातर मैट में उस जगह पे ऐसा काम करते हैं। और लाइक ऐसे स्ट्रीट पे काम करना है तो उस जगह पे मैं प्रीफर करता हूँ कि हम ग्लोव में कर लेते हैं, तो एनामल में कर लेते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब मैं कुछ ऐसे कलर्स, मैट फिनिश, ऑयल, एनामल की बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप इस पर एक डिटेल में वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ जाके देख लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, फिर से मैंने बताया। तो गाइस, ये चीज़ें होती है कि मैं तीसरा जो फैक्टर है वो होता है कि मटेरियल। सो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जिसे मैं ध्यान में रखने के बाद ही आपको एक रेट बता सकता हूँ, और बाकी तो जो चार्जेस होता है वो तो स्केल का होता ही होता है। तो ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी देखो दोस्तों क्या होता है ना कि मैं चार्जेस आपको बताता हूँ स्क्वायर फिट में पहला, और दूसरा मैं बताता हूँ ओवरऑल, तो दो तरीके का यहाँ पे और चीज़ आ जाता है। ये तीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने बताया, उसको अलग रखते हैं। अब दो अलग चीज़ मैं बता रहा हूँ कि
रेट बताने का होता है कि दो तरीके से बताता हूँ। ये तो एक तो आपने वॉल का साइज बताया, तो अगर काम छोटा है तो मैं आपको एक सिंगल स्पेसिफिक बता दूंगा कि इतना रेट लगेगा इसे कंप्लीट करने में, ठीक है। और दूसरा मैं आपको स्क्वायर फीट में बताऊंगा। स्क्वायर फीट में मैं तब रेट बताता हूँ जब काम बड़ा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है कि आपने बताया कि लाइक 10x10 feet का वॉल है तो 10x10 मतलब 100 स्क्वायर फीट में काम है, तो मैंने एक स्क्वायर फीट का रेट बताया। कभी कभी ऐसा होता है हम बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे पूरा वॉल मेजर करना मुश्किल होता है, तो हम काम शुरू करते हैं, हमने रेट बता दिया, आपको अप्रोक्स में पता है कि मेरे पास 500 स्क्वायर फीट वॉल है, मैंने एक स्क्वायर फीट का रेट बता दिया विद मटेरियल्स या फिर जैसा भी विदाउट मटेरियल्स मैंने रेट बता दिया लाइक। तो फिर आप क्या होता है कि काम शुरू करवाया, क्लाइंट है हमसे काम होता है, कभी कभी होता है कि 100 से वो ज़्यादा क्रॉस कर गया, 110 हो गया, 120 स्क्वायर फीट हो गया, या काम शुरू होते तो लगता है या थोड़ा सा और कर देते हैं उधर भी अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो फिर वो ओवरऑल काम खत्म होने के बाद हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं, तो हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा काम कितना हुआ है और कैलकुलेशन निकल के आ जाता है कि हमारा टोटल रेट क्या निकल के आया। तो बहुत ईजी हो जाता है इस तरीके से रेट बताना। तो अगर दोस्तों आप भी कुछ ऐसे लोग हो जो कि कमर्शियल काम करते हो या करने का प्लान कर रहे हो तो इस तरीके से आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों डिपेंड इन तीन चीजों में, फिर से आते हैं वापस, इन तीन चीजों में करता है। एक आपको वॉल का साइज पता होना बहुत जरूरी है, दूसरा आपको आपको ये क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि आप डिज़ाइन किस तरह का कराना चाहते हो, क्योंकि आपने रेट बता दिया एक नॉर्मल पेंटिंग्स का और उसके बाद पता चला कि वो आपसे 3D कराना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है यार, टाइम लगता है, शेड्स करने पड़ते हैं, वॉल में काम करना एक मेहनत का काम है यार, ठीक है। तो टाइम टेकिंग का काम है, बहुत आपको एक बहुत क्या बोलते स्टेमिना भी चाहिए होता है यार, सुबह से शाम आपको खड़े रहना है लंबे टाइम तक, 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे आपको खड़े होकर काम करना है, तो ये सब चीज़ें होती है फैक्ट। तो हम ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को लेकर कैलकुलेट करके रेट बताते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर हम आउट ऑफ स्टेशन बाहर काम कर रहे हैं तो फूडिंग लॉजिंग ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार इस चीज़ पे, तो हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। हाँ तो गाइज मुझे लगता है कि ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको कि किस तरीके से मैं चार्ज करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आप बोलोगे कि अभी यहाँ पे मुझे चार्ज बताओ, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर से मैंने वही बताया कि पहले मुझे वॉल का साइज़ बताओगे, फिर मटेरियल्स का मीडियम बताओगे, मैट रखना है कि क्लोज रखना है, तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते मैं चार्ज बताता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन जाके पूछ लो कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं आगे और भी इंटरेस्टिंग आपके क्वेश्चंस का जवाब लेके आते हैं, तो सवाल जवाब होता रहेगा, लाइव में भी मिलते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो कर लो यार वहाँ पे, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट करके। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, बाय बाय।